नमस्कार, 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैबिनेट के अहम फैसलों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया। देश के 3 और हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लीज पर दिया गया है, आज इसे मंजूरी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती संस्थान यानी NRA को अधीनस्थ पदों यानी कि गैर गेजेटेड पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा गन्ने का उचित एवं लाभकारी FRP दाम 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए क्विंटल करने को भी मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। ये भर्ती चयन और नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए परीक्षाओं में होने वाली बार बार के खर्च से भी बचाएगा। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये पूरी खबर, आज कैबिनेट का इतना बड़ा फैसला है, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ युवा देश में इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी, किस किस लिहाज से? देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन 2.5 करोड़ छात्रों के लिए जो हर वर्ष तमाम तरह की परीक्षा देते हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC और तमाम जो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। तकरीबन 20 ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो लगातार एक तरह से कहें तो परीक्षाएं कराती रहती हैं। अब इन छात्रों को दरअसल देखें, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो ऐलान किया गया है, शुरुआत में 3 एजेंसियां जो SSC या रेलवे या अगर हम कहें बैंकिंग में IBPS जो एग्ज़ाम कराती हैं, वो अलग अलग एग्ज़ाम की जगह पर अब सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा। उसके तहत ये TF एक तरह से एक प्राथमिक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद स्कोर मिलेगा जिसमें 3 साल तक वैधता होगी और उसके आधार पर उनका चयन आगे के लिए किया जाएगा, यानी आगे एजेंसियां उस लिहाज से चयन कर सकती हैं। इसमें राहत कौन कौन से मिलने वाली है छात्रों को, ये बताना बेहद ज़रूरी है। एक तो दूर दराज के जो छात्र हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, जो सेंटर होते थे वो बड़े शहरों में होते थे। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम एक सेंटर हर जिले में हो, यानी किसी भी छात्र को ये कह सकते हैं कि अपने जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। खास तौर पर जो ग्रामीण छात्र हैं और जो लड़कियां हैं उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ दूर तक यात्रा कर एग्जाम देने जाती थी, लिहाजा उनको एक बहुत बड़ी राहत होगी। दूसरी बात यह है कि कई एग्जाम नहीं देने होंगे, यानी जो लगातार एक परीक्षा का बोझ होता था नौकरियों के लिए कि अलग अलग एग्जाम देना होता था, उससे अब एक बड़े स्तर पर एक बड़े हद तक एक तरह से कह सकते हैं राहत मिलने जा रही है। यानी आप एक एग्जाम की तैयारी कीजिए और इसमें जो सबसे बड़ी राहत इस बात को लेकर है कि अब एक सिलेबस पता होगा छात्रों को कि सबसे पहले अगर उन्हें तैयारी करनी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिहाज से क्या क्या उसमें अहम होगा, उसकी तैयारी कर वो इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। दूसरी बात, आर्थिक बोझ जो है वो बहुत एक तरह से कहें उसमें राहत मिलने वाली है। आर्थिक बोझ कम से कम पड़ेगा, चूँकि अलग अलग एग्जाम के लिए फीस भरनी होती है, उनके लिए यात्राएँ करनी होती है, और अगर आप संस्थान के लिहाज से देखें, रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लिहाज से देखें, तो उनके ऊपर भी जो एक बड़ा खर्चा आता है परीक्षाएं आयोजित करने का, उसके लिए जो संसाधन की जरूरत होती है, तमाम व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, सेंटर्स की जरूरत होती है, उसमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो एक तरह से कहें कई सिलसिलेवार तरीके से देखें बहुत फायदा होगा, और जैसा एक तरह से जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार है, पारदर्शिता के लिहाज से भी देखें तो एक तरह से पारदर्शिता बढ़ेगी, चूँकि एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, उसमें एक स्कोर मिलेगा, ऑनलाइन पूरी तरह से टेस्ट होगा, तो लिहाजा छात्रों को बहुत बड़ी राहत होगी, उन पर आर्थिक बोझ कम होगा, तमाम जो रिक्रूटमेंट एजेंसियों पर जो बोझ होता है वो कम होगा और पारदर्शिता भी आएगी। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार। हम जानते हैं कि मोदी सरकार इससे पहले एक वर्ग के नौकरियों में इंटरव्यू को खत्म कर चुकी थी। आप इंट्रेंस एग्जाम में देखें, परीक्षाओं के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम दिए जाते हैं तमाम एडमिशंस के लिए, मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में, उनके लिए एक तरह से कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की शुरुआत की गई थी। नीट परीक्षा की शुरुआत मोदी सरकार के समय में हुई, और अब ये नौकरियों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन, उसके जरिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रस्ताव है। यानी आगे आने वाले दिनों में तमाम और रिक्रूटमेंट एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाएगा और राज्यों को भी यह सलाह दरअसल दी जाएगी कि वो इसका स्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं ऋतु आज ही छात्रों को मिली है जो एक तरह से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं।
बिल्कुल शैलेंद्र, उन युवाओं को कई लिहाज से राहत मिली है। शैलेंद्र, अगर इसके दूसरे पहलू की तरफ रुख करें, इस बार के बजट के ऐलान के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को रख दिया था कि आने वाले समय में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सबके सामने होगी। इसकी तैयारी किस तरह से की गई है, क्योंकि 1000 सेंटर हैं, जिला मुख्यालय जो होगा वहां पर इसका सेंटर होगा, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, तकनीकी रूप से कितनी तैयारियां दुरुस्त हो चुकी हैं? देखिए, हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से चल रहा है, और सरकार दूर दराज के इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर हो, एक इंटरनेट की सुविधा हो, उसको लेकर तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा भी कि 1000 एक तरह से देखें दिनों में तो पूरे देश में ये जो ऑप्टिकल फाइबर है गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाएगा, और उस पर काम हम जानते हैं कि बहुत तेजी से चल रहा है। तो ऐसे में जिले में एक सेंटर होना और उसमें तमाम जो तकनीकी सुविधाएं हैं, जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अब एक तरह से ये काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इंटरनेट की सुविधा का हम जानते हैं कि दूर दराज के इलाकों में और जहां पर बहुत कठिन था वहां अभी एक तरह से देखें तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई, इंटरनेट की सुविधा पहुँच रही है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है, और इसको लेकर जो तकनीकी जो चुनौतियाँ हैं उस पर पहले ही काम होता रहा है, और उस पर और आगे से तेजी से काम होने वाला है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती थी खासतौर पर देखे ग्रामीण स्तर के छात्रों को, कि उन्हें दूर दराज के इलाकों से बड़े सेंटर की ओर जाना पड़ता था। यानी अगर कोई गोरखपुर का छात्र है या अगर कहें कि गाजीपुर का छात्र है तो उसे लखनऊ आना पड़ता था विभिन्न एग्जाम्स के लिए, या फिर इस तरह अगर देखें तो कई दूसरे राज्यों में भी इसी तरह बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था। तो ऐसे में अब एक तो ये बोझ कम होगा, उससे उनका खर्चा बचेगा, समय बचेगा, अलग अलग एग्जाम्स जो है देने का जो झंझट है वो खत्म होगा। और दूसरी बात है, कई बार ऐसा होता था कि कई रिक्रूटमेंट एजेंसियों की जो तारीख है परीक्षा की नौकरी के लिए वो एक ही तारीख पड़ जाती थी, तो ऐसे में छात्रों को तय करना होता था कि कौन से एग्जाम के लिए वो परीक्षा देने जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो एक तरह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सुधार है, चूंकि हम जानते हैं कि पहले एंट्रेंस टेस्ट में पहले से ही नीट सरकार आयोजित करा रही, उसका फैसला किया गया था, और अब नौकरियों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ओर बढ़ा गया है, और जो कि आगे आने वाले में देखेंगे कि तमाम जो अन्य रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका भी एक तरह से इस दायरे में लाया जाएगा। राज्यों को सलाह दी गई है, और यह भी कहा गया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी चाहे तो इस स्कोर का एक तरह से फायदा ले सकते हैं, इस स्कोर के आधार पर अपनी कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत बेहतर प्लान। अंत में बहुत संक्षेप में, क्या ग्रामीण इलाकों से जब युवा इस तरह के एग्जाम्स के लिए अभी तक परीक्षाएं देते थे, तो कहीं ये अपने अंदर कहीं किसी तरह का भेदभाव, कोई तुलना ये होती थी शहरी इलाकों के जो लोग, जो युवा हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनके जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें जो एक अंतर हुआ करता था, क्या ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से उस अंतर को भी खत्म किया जा सकेगा, वो एक भरोसा, एक आत्मविश्वास पैदा किया जा सकेगा ग्रामीण युवाओं में भी? जी देखिए, सबसे बड़ा राहत ये होगी कि मान लीजिए कि कोई युवा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है और रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो दोनों के कोर्स में काफ़ी अंतर होता था। तो एक तरह से देखें कि एक एग्जाम देने के तुरंत बाद अगर दूसरा एग्जाम आता था तो छात्रों को बहुत दिक्कत होती थी, उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती थी। अब ये समस्या खत्म होगी, ग्रामीण इलाकों के छात्रों को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा कि उन्हें पता होगा कि निश्चित तौर पर उन्हें किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, उनका सिलेबस क्या है, जो जिस सिलेबस के दायरे में परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, और उस लिहाज से वे कॉमन इंटरेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे तमाम नौकरियों में उन्हें नौकरियों के अवसर खुल सकते हैं। यानी रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के अवसर एक ही एग्जाम से खुलेंगे, जिसकी एक निश्चित कोर्स के तहत तैयारी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत होगी कोर्स के लिहाज से, एक तरह से उन नौकरी पाने वाले, नौकरी का चाह रखने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। इस अहम फैसले पर कैबिनेट ने जो आज लिया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी देकर बढ़ते अगली